खेलते हैं, यही तो चाहिए उनके लिए। एक बारी आयशा को थोड़ा सा बाबन ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहे वो बता दीजिए कि पूछ नहीं, वो सारे देरी से जुड़े हैं, तो बाबन ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्वियसली जो बाबन ने विराट के साथ जो कंपैरिजन, एक एक पॉइंट करके जो है हमारे पास खाका तैयार हुआ है, हमारे नोट्स है उसके हिसाब से बता देते हैं। देखिये सबसे पहले बाबर से श्रीलंका के बारे में पूछे, जी सर सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस म्यूट कर दिया सर, चलिए। तो देखिए बाबर ने जो सबसे पहले श्रीलंका के बारे में बात की, कहा कि ये एक तरह का हमारे लिए होम एडवांटेज यहाँ पर हो गया है क्योंकि हम यहाँ पर बहुत खेले हैं पिछले कुछ समय में। साथ इंडिया पाकिस्तान मैच के प्रेशर के ऊपर बात हुई तो उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा प्रेशर फील नहीं कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का गेम हमेशा से हाई प्रेशर रहा है और फैंस वेट करते हैं, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं ईगर टू प्ले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और हम किसी को कर नहीं रहे अंडर एस्टिमेट, और हम चाहेंगे कि अच्छा क्रिकेट खेले, बेस्ट एफर्ट दे। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंकन कंडीशन के ऊपर बात की कि ये सिमिलर कंडीशन होती है रेस्ट ऑफ द एशिया से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे बैटिंग में रिस्पॉन्सिबली खेले और लेंथ जिस हिसाब से उस हिसाब से बल्लेबाजी करें और बॉलिंग भी करें उस हिसाब से। और उन्होंने कहा कि हमारा टॉप ऑर्डर सेम रहने वाला है, और टॉप ऑर्डर अगर डजन स्कोर तो मिडिल ऑर्डर में जो परफॉर्मेंस थी और वो प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब जो उनका मिडिल ऑर्डर का इफ्तिखार थे वो अच्छा भी करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेन के बारे में कि यहाँ पर कई बार प्रेडिक्शन गलत भी चली जाती है। वर्ल्ड कप को लेकर उन्होंने कहा कि आप एशिया कप को लाइटली नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर एशिया की बेस्ट टीम आती है तो टूर्नामेंट पर फोकस कीजिए। और इसके साथ ही उन्होंने ट्रैवलिंग को लेकर कहा कि हम जानते थे ये टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही कि ट्रैवल हमें बहुत करना है, रूम स्टाफ ने हमें बहुत हेल्प की, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये गेम का एक पार्ट है तो ट्रैवलिंग ज्यादा डिफरेंस नहीं बनाती। इसके अलावा सबसे बड़ी बात बाबर और विराट से आप बताइए जय भाई, सबसे बड़ी बात तो वही है कि सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि बाबर और विराट का जो कंपैरिजन चल रहा है उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि विराट मेरे से बड़े हैं, मेरे लिए रेस्पेक्टेबल है, और उन्होंने ये जिक्र भी किया है कि 2019 में जब उनसे रन नहीं बन रहे थे तो विराट ने उनकी मदद की थी, तो उन्होंने एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने वो नहीं कहा है कि कंपैरिजन कर, मतलब उनका वहां पर शायद वो कहना नहीं था कि रन नहीं बन रहे थे और उन्होंने हेल्प करी, क्योंकि आई थिंक 2018-19 का भी जो वक्त था बाबर के रन तो आ ही रहे थे, और इवन उन्होंने फिर न्यूजीलैंड वाले मैच में सेंचुरी भी जो शायद उस वक्त तक की आप कह सकते थे उनके करियर की सबसे बेहतरीन, वो ही रहा होगा कि जी विराट थे वहां पर। ऑब्वियसली यार अगर आप एक क्रिकेटर हो, आप कोई भी हो, खेल रहे हो और आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप उभरते हुए खिलाड़ी हो, तो आप जाकर उनसे बात करोगे कि भाई कि क्या आप जो भी चीज है कि आपका क्या माइंडसेट रहता है, किस तरीके से चीजें आप करना चाहते हो, किस तरीके से 2019 वर्ल्ड कप के बाद से बाबर और बेहतर आए। जैसे हमने यार पिछले वर्ल्ड कप में देखा था सर, तो वहीं पर सर पिछले वर्ल्ड कप में जब शहीन और मोहम्मद शमी एक साथ थे, जब नेट्स वगैरह चल रहे थे, वो भी आपस में एक्सचेंज करते हो ना आप नोट्स के, यार कैसे बॉल डालना है मेरे ख्याल से, क्योंकि मोहम्मद शमी की सीम प्रेजेंटेशन इतनी जबरदस्त रहती है, तो बात जो चलती है जो विजुअल्स देख के लग रहा था यही लग रहा था कि बात ही हो रही है कि यार इतना अपराइट कैसे।